नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत शर्मा, असिस्टेंट ट्रेनर प्रोडक्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रैक्टर के रियर टायर में वाटर ब्लास्टिंग कैसे करें। दोस्तों, वाटर ब्लास्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रैक्टर के रियर एक्सल को जैक लगा के ऊपर उठाना होता है ताकि पीछे के पहिए फ्री हो जाए। तो दोस्तों, रियर एक्सल को ऊपर उठाने के बाद हमें सबसे पहले टायर की हवा निकालनी होती है। हवा निकालने से पहले आपको ये याद रखना है कि वॉल बॉडी के पास लगा हुआ चकनट लगा होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये चकनट नहीं लगा होगा तो हवा निकलने के बाद वॉल बॉडी अंदर चली जाएगी और आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। तो आइए अब इस टायर की हवा निकाल देते हैं। हवा निकालने के बाद इस टायर के अंदर आपको पानी भरना है। तो पानी भरने के लिए आपको ये याद रखना है वॉल बॉडी की पोजीशन 10 या फिर 2 बजे की पोजीशन में होनी चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन में टायर में 75% पानी और 25% हवा के लिए जगह बनी रहती है। तो आइए टायर में पानी भरने के लिए हम वॉल बॉडी की पोजीशन 10 बजे की ओर कर देते हैं और इसमें पानी भरेंगे। दोस्तों, टायर में पानी भरने के लिए आप 3 विधि का उपयोग कर सकते हैं। पहला, बाल्टी और पाइप की मदद से, दूसरा नल की मदद से और तीसरा प्रेशर पाइप की मदद से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सबसे आसान विधि बाल्टी और पाइप के माध्यम से टायर में पानी भर के दिखाएंगे। बाल्टी से पानी भरने के लिए आपको बाल्टी को ट्रैक्टर के फेंडर के ऊपर रखना होगा ताकि ऊपर से पानी फोर्स के साथ टायर के अंदर जा सके। मैंने बाल्टी को फेंडर के ऊपर रख लिया है और पाइप से पानी को खींच भी लिया है और टायर की वॉल बॉडी 10 बजे की पोजीशन में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो 10 बजे की पोजीशन में आने के बाद भी इसमें से हल्का हल्का पानी वापस आ रहा है, यानी टायर में इससे नीचे की पोजीशन में पूरा पानी भर चुका है। दोस्तों, हमने टायर के अंदर पानी भर दिया है और वॉल्व को भी लगा दिया है और अंत में हमें टायर के अंदर हवा भरनी है। दोस्तों, हवा भरने के बाद प्रेशर मापने के लिए आपको वॉल बॉडी को हमेशा ऊपर की ओर ही रखना है। अगर आपने ये नीचे की साइड में करके प्रेशर नापने की कोशिश की तो हवा के साथ पानी भी आ जाएगा और आपका प्रेशर गेज खराब हो सकता है। तो याद रखें, टायर में हवा का प्रेशर 7 से 8 पाउंड ही होना चाहिए। इससे ज्यादा प्रेशर होने पर आपके टायर पे प्रेशर आएगा और टायर की घिसावट हो सकती है। तो अगर हम बात करें ब्लास्टिंग के फायदे की, तो ब्लास्टिंग का मुख्य उद्देश्य ये है, तो ब्लास्टिंग करने से टायर में स्लिपेज कम होती है और साथ ही साथ ये टायर का ट्रैक्शन जमीन के साथ बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लास्टिंग की जरूरत सर्वाधिक उस समय पड़ती है जब आप ट्रैक्टर के साथ गहरी जुताई वाले उपकरणों का प्रयोग करते हैं। उस समय ब्लास्टिंग के द्वारा टायरों का वजन बढ़ा सकते हैं, जिससे वो जमीन के साथ ज्यादा ट्रैक्शन लेंगे और व्हील स्लिपेज कम होगा। बात करें अगर वजन की, तो टायर साइज के हिसाब से वजन ऐड किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें 14/9/28 की, तो इन टायरों पर 200 केजी पर टायर वजन लगाया जाता है, जबकि 16/9/28 के टायरों के साथ 250 केजी पर टायर वजन ऐड किया जाता है। बात करें ब्लास्टिंग की, तो ये 2 तरीके से की जाती है। पहला वाटर ब्लास्टिंग, दूसरा मेटल ब्लास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर मेटल ब्लास्टिंग के द्वारा आप टायरों पर वजन लगाते हैं तो मार्केट में मेटल की कॉस्ट 80 रुपये पर केजी है और 250 केजी वजन के लिए आपको लगभग 20,000 रुपये खर्च करने होंगे एक टायर के लिए। तो दोनों टायरों के लिए लगभग 40,000 रुपये का खर्चा आपको करना होगा और साथ ही साथ बहुत सारा एफर्ट आपको लगाना होगा इन टायरों को लगाने के लिए, जिसमें आपको काफ़ी सारे नट्स और बोल्ट्स भी लगाने होंगे, जो कि इतना आसान नहीं होता। जबकि पानी द्वारा वजन बढ़ाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, जब आपको ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं है, यानी जब आप हॉलेज के दौरान हाईवेज पर ट्रैक्टर को चला रहे हैं, तो उस समय अगर आपने पानी नहीं निकाला तो टायरों का ज्यादा वजन होने के कारण फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा और साथ ही साथ ब्रेकिंग पर भी असर पड़ेगा। तो इस 250 केजी वजन के पानी को निकालना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वॉल बॉडी को बिल्कुल नीचे की पोजिशन में रखें और नोजल को धीरे धीरे खोलते हुए सारा पानी निकाल दें।
ज्यादातर पानी अपने आप ही बाहर निकल जाता है। धन्यवाद।